हाय, कैसी हो? बहुत दिन हो गए ना, मिले ही नहीं हम लोग। क्या बात है, तुम्हारे बाल कपड़े सुंदर लग रहे हैं, लंबे लंबे से। अच्छा, तुम तुम्हारे गाल वाल भी अंदर गए। ओहो, डाइट चल रहा है, वर्कआउट चल रहा है। अच्छा, इतने दिनों बाद याद कैसे? अरे कम से कम याद तो आई तुम्हारी, और तुम देखो। हाँ वाकई बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे बाल। और सुनाओ, कैसे चल रहा है? अब मैं क्या सुनाऊं? अरे हाँ, तुमसे एक बात करनी थी मुझे, पापा से बात कर रही थी। और पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है पापा बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और शायद दिल की सच्चाई भी बोल देते हैं। मुझे पूछ रहे थे दिवाली की साफ सफाई कैसे चल रही है। मैंने कहा बस डी क्लटरिंग कर रही हूँ, जो पुराना सामान है उसे उठा के फेंक रही हूँ, अब उसकी जरूरत नहीं है, हो गया उसका काम, कितने साल रखे, पैसा वसूल हो गया। तो हंस रहे थे, कह रहे थे अच्छा साफ सफाई आंदोलन खूब चल रहा है मतलब तुम्हारा। मैंने कहा हाँ, अब मेरे ही पापा हैं तो बड़े फिल्मी, तो कहने लगे देखो बेटा मैं भी बूढ़ा हूं चला हूं, पुराना हूं चला हूं, कहीं मुझे उठा के मत फेंक देना। और हम दोनों खूब हंसे, गहरी बात बोल दी थी पापा ने उस दिन। कितने भी बूढ़े हो जाएं, कितने भी पुराने हो जाएं, हैं तो मेरे पापा ना, कुछ भी बोल देते। आई थिंक शायद ऐसे होता है कि बुढ़ापे में थोड़े बच्चे भी हो जाते हैं, और इतने साल का एक्सपीरियंस तो रहता है, तो मन की बातें भी बोल देते हैं। शायद उन्हें उतना इम्पोर्टेंस, उतना वक्त नहीं मिल पाता सबसे, तो सोचते होंगे कि मैं भी पुराना हो गया हूँ, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, हम भी तो बनेंगे ना, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, जिंदगी का ये सफर चलता रहेगा, मुसाफिर उनकी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, बस मुसाफिरगिरी करते रहेंगे। कुछ ज्यादा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल सोच लेती हूँ कभी कभी, लगता है कि ये सारे जो हमारे रिश्ते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, पति बच्चे, पत्नी, फ्रेंड्स, ये तो सारे लेबल्स हैं जो हमने एक दूसरे को दे रखे हैं, है ना? ये हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पता है आखिर तक कौन साथ देगा? तुम और तुम्हारे लिए मैं, भूलना मत हम साथ साथ हैं, पुराने तो हम भी होंगे, बूढ़े तो हम भी होंगे, लेकिन हम साथ देंगे एक दूसरे का, है ना? और हाँ थैंक यू, तुम कह रही थी ना बाल बड़े अच्छे हो गए, गाल बड़े अच्छे हो गए। चल रहा है, खुद पे काम चल रहा है।